ठीक है, चलो लास्ट क्लास में कहाँ तक बताए थे? आरहेनियस इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे ना, याद है? सर चंदन में कनेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा? बोलो फिर से करने। हाँ बोलो फिर से करेगा कनेक्ट? चलो लास्ट क्लास में हम लोग ये वांटॉप इक्वेशन बताए थे। वांटॉप इक्वेशन क्या था बताओ? कल ये हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। एल एन के टू बाई के वन इज इक्वल टू ई ए बाय आर वन बाई टी वन बाय माइनस वन बाय टी टू। ठीक है, याद है ये? यस सर याद है। चलो ऐसे इक्वेशन को बोले थे वन टॉप इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसका ग्राफ भी बताए थे ना, ग्राफ प्लॉट करके एल एन के वर्सेस वन बाई टी का ग्राफ। हाँ सर बताए थे। चलो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड करो, तो क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन है द ईए ऑफ ए रिएक्शन। ईए किसको डिनोट करता है? एक्टिवेशन एनर्जी। ईए ऑफ ए रिएक्शन, सॉरी अच्छा, ये अभी तुम लोगों कैटलिस्ट का इफेक्ट बताया है क्या? इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रिएक्शन? नो सर, कैटलिस्ट का नहीं बताया। चलो नहीं बताया, ठीक है, तो इसको बाद में कैटलिस्ट वाला जब इफेक्ट हम लोग करेंगे तो उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे। अभी कैटलिस्ट के इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन लास्ट क्लास में हम लोग किए थे ना, वन टॉप इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है सबको? एल एन के टू बाई के वन इज इक्वल टू ए बाई आर इंटू वन माइनस टी वन बाई टी वन माइनस वन बाई टी टू। ये दो डिफरेंट टेम्परेचर पे है। ठीक है, अब इसी में एक नेक्स्ट चीज आता है, नेक्स्ट टॉपिक इसी में आता है, टेम्परेचर कोफिशियंट वाला। टेम्परेचर कोफिशियंट, ठीक है, ये हेडिंग डाल लो, टेम्परेचर कोफिशियंट। टेम्परेचर कोफिशियंट में ध्यान रखना, ये एक्चुअली क्या होता है कि इसमें पहले स्टेटमेंट लिखो इसका, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इट वॉज फाउंड दैट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स इंक्रीज्ड बाय
टू और थ्री टाइम्स, ठीक है, ये नोट करो। ठीक है, तो ये ध्यान से देखो, ये बोला कि टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला टर्म कहाँ पे आया, कैसे आया, ये ध्यान रखना कि साइंटिस्ट लोग जो है ये सारा ऑब्जर्वेशन, एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किया गया था, कोई भी रिएक्शन पे ये वैलिड हो रहा था कि किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर, अगर जैसे मान लो टी टेम्परेचर पे हो रहा है, तो उसका रिएक्शन अगर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया जा रहा था, तो उस रिएक्शन का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री से चेंज कर रहा था, तो उस रिएक्शन का रेट देखा जा रहा था, या तो वो 2 गुना हो रहा था या 3 गुना हो रहा था। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स में, एक्सपेरिमेंटली ये बहुत सारे रिएक्शंस में ऐसा देखा गया कि 10 डिग्री बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कितने टाइम्स हो जा रहा था, 2 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स हो जा रहा था। तो इसी को बोला जाता है, ये जो रेशियो आता है ना, इसी रेशियो को बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशियंट। तो टेम्परेचर कोफिशियंट, इसको टीसी से डिनोट करते हैं हम लोग, टेम्परेचर कोफिशियंट टीसी, दैट इज इक्वल टू, ये बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे बोला गया। तो टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे जितना रेट होगा बाय टी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका जो रेशियो आएगा ना, इसी रेशियो को बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशियंट। अब देखो, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये आर रेट ऑफ रिएक्शन डिनोट कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है हम लोग देखे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, रेट कांस्टेंट के होता है। तो इसको हम लोग रेट कांस्टेंट से भी इक्वेट कर सकते हैं, के टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस बाय के टी डिग्री सेल्सियस। तो इसी का जो रेशियो हो जाएगा, इसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशियंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको एक और फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये फॉर्म होता है कि इसको हम लोग लिखते हैं आर टी प्लस डेल्टा टी, ये इसका फॉर्म है, ये याद रखना है, आर टी प्लस डेल्टा टी। डेल्टा टी रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो यह हो जाएगा आर टी इंटू टेम्परेचर कोफिशियंट पे पावर डेल्टा टी बाई 10। ठीक है, या फिर हम लोग R को रिप्लेस कर सकते हैं K से भी, रेट कांस्टेंट से, तो K T प्लस डेल्टा T इज इक्वल टू K T इनटू टेम्परेचर कोफिशिएंट पे पावर डेल्टा T बाय 10। ठीक है, तो ये दो फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है इसका, ये याद रखना है। तो इसको पहले नोट करो तुम लोग, इसके बारे में हम लोग करते हैं अभी। अब ये टेम्परेचर कोफिशियंट जो है ये कितने टाइम्स हो रहा है, रेट टेम्परेचर चेंज करने पे कितना गुना रेट बढ़ रहा है, वो तुमको एक्सपेरिमेंटली क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। ठीक है, वो तुमको कैलकुलेट नहीं करना है, वो क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा। अगर मान लो तुमसे बोला गया कि क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन जो है 2 गुना चेंज हो रहा है, 10 डिग्री अगर बढ़ाए तो इसका मतलब टेम्परेचर कोफिशियंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर ऐसे दिया हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, अगर हम लोग टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइम्स हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो वो तुमको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहेगा और उसके बेसिस पे हम लोग निकालेंगे। टी प्लस डेल्टा टी, टी मतलब जिस टेम्परेचर पे पूछा गया है, और डेल्टा टी मतलब चेंज होने के बाद वो कितना टेम्परेचर बोलेगा कि तुम, हम लोग 30 डिग्री सेल्सियस से चेंज कर दिए टेम्परेचर, तो डेल्टा टी मतलब वो चेंज ऑफ टेम्परेचर डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, ये दो फॉर्म्स को नोट करो, उसके बाद इस पर देखते हैं क्वेश्चंस कैसा आएगा। लिख लिए क्या? लिख लिया सर। ये दोनों फॉर्मूला मेंशन कर लिया ना, नोट कर लिया? यस सर। चलो अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसा आता है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही है, देखना इसमें।
तो क्वेश्चन है पहला जैसे रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है एक मिनट लिखो, रेट ऑफ ए रिएक्शन एट 30 डिग्री सेल्सियस इज आर, ठीक है एंड द टेम्परेचर कोफिशियंट टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ द रिएक्शन इज 2, देन प्रेडिक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन एट 60 डिग्री सेल्सियस. पहले खुद से ट्राई करो तो सर 8R. हाँ 8R सबका आ गया क्या? देखो सिंपल है, वही फॉर्मूला यूज करना है तुमको. अभी फॉर्मूला बताया था ना, आर टी प्लस डेल्टा टी, ये फॉर्मूला आर टी इंटू टेम्परेचर कोफिशिएंट पे पावर डेल्टा टी बाय 10. तो यहाँ पे टेम्परेचर टी टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस और तुमसे पूछा गया है 60 पे, तो मतलब डेल्टा टी का वैल्यू कितना है, ये भी 30 डिग्री सेल्सियस है. तभी तो 60 माइनस 30 करेंगे तो डेल्टा टी कितना है 30 डिग्री सेल्सियस. और हमको रेट ऑफ रिएक्शन 30 डिग्री पे पता है कि आर है, तो ये हमको निकालना है 60 डिग्री पे कितना होगा. तो आर 60 डिग्री सेल्सियस पे हमको निकालना है, तो डेट विल बी इक्वल टू आर एट टी. आर एट टी मतलब 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो 30 डिग्री पे रेट ऑफ रिएक्शन आर है इनटू टेम्परेचर कोफिशिएंट यहां पे दिया हुआ है 2 और डेल्टा टी का वैल्यू कितना है, डेल्टा टी 30 बाय 10 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर इनटू 2 का होल क्यूब, ये क्या बन जाएगा 8R. 60 डिग्री सेल्सियस पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 8 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा. तो इसी टाइप का सिंपल क्वेश्चन रहता है. ये रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में भी पूछा जा सकता है या रेट कांस्टेंट के टर्म में भी पूछा जा सकता है, दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग. बना लोगे ना इसके क्वेश्चन? यस सर. चलो एक और क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा. तुमको टेम्परेचर कोफिशियंट जो है वो दिया रहेगा. सेकेंड है इफ द रेट ऑफ रिएक्शन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज आर एंड टेम्परेचर कोफिशियंट इज 2, देन कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एट 45 डिग्री सेल्सियस. बताओ सर 3R. 3R नहीं,
कैलकुलेशन ढंग से करो, डेल्टा टी अब कितना है? 25 डिग्री। 25 डिग्री ये क्या निकालना है तुमको? आर एट 45 डिग्री निकालना है। आर एट 20 डिग्री कितना दिया हुआ है? आर दिया हुआ है, टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है। डेल्टा टी का वैल्यू 25 हो गया। 25 बाय क्या हो जाएगा? 10। तो इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो? नो सर। नो सर, ये भी अभी हमने सिखा है। 25 बाय 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5 बाय 2। तो 2 पे पावर 5 बाय 2 कितना होगा? मतलब 2 पे पावर 2 और इनटू 2 पे पावर हाफ, सेपरेट कर सकते हैं ऐसे? यस सर। तो 2 पे पावर हाफ ये अंडर रूट 2 हो गया और 2 पे पावर 2 4 हो गया, तो 4 अंडर रूट 2 आर ये हो गया। नहीं हुआ ये? हो गया सर। तो ये सब कैलकुलेशन, ये सब इतना मैथ्स तुम लोग को नहीं आता है? ये सब पढ़े होगे ना यार, एक्सपोनेंट ये सब, पावर वावर 10th से पहले। भूल गए थे सर। भूल गए थे, अब ये भी सिखाया जाएगा। केमिस्ट्री सिखाए कि मैथ्स सिखाए बताओ? मेरा भी इतने में आ गया था, लेकिन फंस गए हम 5/2 में। अब इसको कैसे करें? ठीक है, तो ये क्या हो गया? 4√2 टाइम्स आर हो गया। ठीक है, तो इसमें ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ नहीं है। ठीक है, कर लोगे ना इसके क्वेश्चंस? कोई डाउट है इसमें देख लो। तो ये बस फॉर्मूला याद रखना, इसका फॉर्म बस, और कुछ नहीं है। हो गया, आगे बढ़े? यस सर। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो इसमें, वही जो हम लोग डिस्कस करने वाले थे, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन ए रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। सर आरएनएस इक्वेशन का क्वेश्चंस? हाँ वो कराएंगे अभी, ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ, ये थियोरेटिकल है, ये पहले लिख लो उसके बाद कराएंगे क्वेश्चंस। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, अभी हम लोग देखे टेम्परेचर का इफेक्ट, हम लोग देख चुके हैं टेम्परेचर कैसे रेट को इफेक्ट करता है, आरएनएस इक्वेशन के थ्रू हम लोग देखे रेट कांस्टेंट को कैसे इफेक्ट करता है। अब दूसरा चीज हम लोग देख रहे हैं कि कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन पे। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना कि दो टाइप का कैटलिस्ट होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। टू टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, पहला जो कैटलिस्ट होता है ये पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, इसको नोट करते जाना, सिंपली थ्योरेटिकल चीज है। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को, पॉजिटिव कैटलिस्ट मतलब जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। और दूसरा होता है नेगेटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। ठीक है, नेगेटिव कैटलिस्ट ये क्या करेगा? डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट की, कि कैटलिस्ट कैसे इंपैक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे देखे होंगे बहुत सारे रिएक्शंस में देखे होंगे कि शुरुआत में कोई भी रिएक्शन अगर नहीं होता है, या कैटलिस्ट का यूज हम लोग तब करते हैं जब कोई भी रिएक्शन जो बहुत हाई टेम्परेचर पे हो रहा होगा, तो अगर वहां पे कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं तो वो रिएक्शन का टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, या फिर रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाता है कैटलिस्ट यूज करने से। जिस रेट पे वो हो रहा होगा उसका स्पीड क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग कौन से कैटलिस्ट की बात करते हैं? पॉजिटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट का डिस्कशन नहीं करते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट जो है रिएक्शन को एडवर्सली इम्पैक्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट इसके बारे में पॉइंट, ये पॉइंट बाय पॉइंट लिखते रहना।
कैटलिस्ट कैसे चेंज करता है रेट ऑफ रिएक्शन, ये ध्यान रखना, चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. By changing the activation energy. Changing the activation energy. तो यहाँ पे सारा पॉइंट छिपा हुआ है कि कैटलिस्ट का रोल क्या होता है. जैसे अगर मान लो तुमको दिया हुआ है, कहीं भी रिएक्शन में मेंशन किया हुआ है कि कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन में जैसे ही हम लोग कैटलिस्ट यूज किए तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है बढ़ गया. इसका मतलब कैटलिस्ट करता क्या है कि वो रिएक्शन के ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है. क्योंकि हम लोग इससे पहले आरहेनियस थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि कोई भी रिएक्शन अगर होता है, कोई भी रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसको तीन बैरियर क्रॉस करना पड़ता है. एक होता है, कौन कौन सा बैरियर था बताओ तो? कोलिजन, कोलिजन बैरियर था. हाँ, कोलिजन बैरियर, दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर और तीसरा एनर्जी, एनर्जी बैरियर. ये तीन बैरियर क्रॉस करना पड़ता है तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. और एक एनर्जी वाला हम लोग ग्राफ जो ड्रॉ किए थे, तो कोई भी फ्रूटफुल रिएक्शन अगर होना है तो रिएक्टेंट को मिनिमम कितना एनर्जी मिलना चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसको कहाँ तक पहुँचाना रहता है हम लोग को, ट्रांजिशन स्टेट तक अगर हम लोग उसको उतना एनर्जी दे दें ताकि वो कहाँ तक पहुँच जाए, ट्रांजिशन स्टेट तक अगर पहुँच जाए तो उसके बाद तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा खुद. मतलब जितना मिनिमम एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को वो लोअर कर देता है, तो एनर्जी को चेंज कर देता है. तो एनर्जी अगर कम हो गया, मान लो तो कम हो गया, तो अब जल्दी से वो एनर्जी अटेन कर सकता है ना कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. एनर्जी अगर कम हो गया तो जैसे मान लो एनर्जी ज्यादा था पहले, तो 10 मॉलिक्यूल उसको क्रॉस कर रहा था उस बैरियर को, ठीक है. अब मान लो अगर एनर्जी कम हो गया तो अब मान एनर्जी कम करने से मान लो 20 मॉलिक्यूल क्रॉस कर रहा है, तो 20 मॉलिक्यूल अगर क्रॉस कर रहा है तो 20 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. पहले 10 ही कन्वर्ट हो पा रहा था, अब 20 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा या घटेगा बताओ? बढ़ जाएगा. बढ़ जाएगा. तो वही चीज है, कैटलिस्ट एक्चुअली में करता क्या है, किसी भी रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है. मतलब एक्टिवेशन अगर वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी को वो क्या कर देगा, कम कर देगा. तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम हो गया तो उससे ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाता है. समझ में आ गया? यस सर. तो ये चीज ध्यान रखना कि कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके. इसमें सेकंड पॉइंट है, एक कैटलिस्ट डस टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन. कैटलिस्ट जो है ऐसा नहीं है कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा. एंड फॉलोज ए different path having different activation energy in comparison to if the same reaction is carried out in absence of catalyst. आवाज समझ में आ रहा है? देखो तो पहले लिख लो फिर बताते हैं. ठीक है, लिख लिए.
हेलो हो गया सर। तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि कैटलिस्ट जो है केमिकल रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन उसका पाथ जो होता है, उसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा वो डिफरेंट होगा। मतलब जो रिएक्शन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में जैसा हो रहा था उसमें जो पाथ होगा, और दूसरा रिएक्शन अगर हम लोग प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में करा रहे हैं तो उन दोनों का पाथ बिल्कुल क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अभी हम लोग देख चुके हैं कि कैटलिस्ट एक्चुअली क्या करता है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन, अगर मान लो बोला गया कि बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, मतलब ओवरऑल किसको वो कम कर दे रहा है, उसके एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दे रहा है, तभी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। जैसे मान लो ये वाला अभी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ये वाला जो ग्राफ है एनर्जी वर्सेस, ये वाला ग्राफ बताए थे ना लास्ट क्लास में, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट था ना, ठीक है। तो ये है यहाँ पे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ER, और ये है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और ये ट्रांजिशन स्टेट है। तो ये मान लेते हैं अभी एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में ये था, अब अगर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में है तो कैटलिस्ट इसके एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, कम कर देगा। मतलब ये मान लो अभी एक्टिवेशन एनर्जी इसका कितना हो जाएगा, ये वाला है एक्टिवेशन एनर्जी, ये है ना, ये है ना, इतना वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी का। अब मान लो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये क्या हो गया, पाथ एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम कर देता है, तो मान लो ये इतना कम हो गया, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तब ये क्या हो गया, ये पाथ बिल्कुल, ये अब ट्रांजिशन स्टेट हो गया। ये पहला वाला जो रिएक्शन है, ये पहला वाला जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में है, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट के केस में। और दूसरा वाला जो है ये ग्राफ जो बन रहा है, ये प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में, तो देख रहे हो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया ना, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गया। और एक्टिवेशन एनर्जी अगर डिक्रीज हो गया तो उसका पाथ भी क्या हो गया, चेंज हो गया ना। जिस पाथ पर रिएक्शन चल रहा था वो क्या पहले वाला पाथ है, क्या पहले वाला पाथ है? नो सर, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वो जिस रिएक्शन जिस पाथ पे चल रहा है वो पाथ भी क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाता है। तो इसका अलग से ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, एक्टिवेशन एनर्जी भी इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, इसलिए बढ़ जाता है। क्लियर है सर? कैटलिस्ट एनर्जी प्रोवाइड नहीं ना करता है? नहीं, एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वो रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दे रहा है। yes, तो उससे ऑब्वियसली एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा मॉलिक्यूल रेट बढ़ जाएगा, ज्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में जा सकता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है? Yes, sir. चलो, एक चीज ध्यान रखना इसमें कि अगर तुमसे पूछा जाए कि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता है, आंसर क्या बोलोगे? नहीं करता। अरे करता, अभी तो लिखवाए। नहीं सर, मतलब कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, बट यहाँ पे एक चीज है, अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट, बट द अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट, ये चीज ध्यान रखना कि कैटलिस्ट का जितना अमाउंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ये चीज ध्यान रखना कि कैटलिस्ट जो है रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट करेगा, बट जितना अमाउंट उसका रिएक्शन से पहले था और रिएक्शन के बाद जितना अमाउंट उसका बना, वो दोनों अमाउंट क्या होगा, वो सेम होना चाहिए। मतलब कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करेगा बट कंज्यूम नहीं होगा वो, मतलब रिएक्शन खत्म होने के बाद वो जितना यूज हुआ था वो सारा रिकवर कर लेता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है बट कंज्यूम नहीं होता है रिएक्शन में, समझ में आया? कंज्यूम
कंज्यूम नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि जितना अमाउंट कैटलिस्ट का रिएक्शन से पहले था, रिएक्शन होने के बाद भी उतना ही अमाउंट बचेगा। सर थोड़ा स्क्रीन थोड़ा ऊपर कीजिएगा ना, थोड़ा सा और सर, वो उसका सेंटेंस ऊपर वाला था ना, कैटलिस्ट डज नॉट टेक पार्ट लिखा था इसमें सर, लिखवा सॉरी हम खुद गलत लिख दिए थे, डज पार्ट लिखा है ना, डज नॉट कहां है, हम डज नॉट लिख दिए थे गलती से। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि कैटलिस्ट रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट करेगा बट कंज्यूम होगा क्या? नहीं होगा, नहीं कंज्यूम नहीं होता है। चलो एक और चीज है इसमें कैटलिस्ट के बारे में, ये सारे कैटलिस्ट का ही पॉइंट है, एक कैटलिस्ट पॉइंट वाइज लिखते जाओ, कैनॉट इनिशिएट ए रिएक्शन, कि कैटलिस्ट रिएक्शन का शुरुआत नहीं कर सकता है कभी भी, रिएक्शन को शुरू नहीं करेगा, रिएक्शन को शुरुआत रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स करेंगे, वो बीच में आएगा। ठीक है, तो कैटलिस्ट कैनॉट इनिशिएट ए रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ए कैटलिस्ट कैनॉट एफेक्ट द थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, कि कैटलिस्ट थर्मोडायनेमिक रिएक्शन के थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स को इफेक्ट नहीं करेगा, पैरामीटर्स लाइक डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी, या फिर एंट्रोपी, या फिर एंथैल्पी एटसेट्रा, इन सभी को कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन के थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स को चेंज नहीं कर सकता। डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, या फिर एंट्रोपी, या फिर चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच, इन सबको चेंज नहीं कर सकता है, इन सब पे कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और इसी में एक पॉइंट लिख लेना, कैटलिस्ट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, रिएक्शन के अगर मान लो वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में उसका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट पे भी कैटलिस्ट कोई भी रोल प्ले नहीं कर सकता है। ये पढ़े थे ना तुम लोग उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में? यस सर। इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट पे कोई रोल था क्या कैटलिस्ट का? नहीं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर पा रहा था कैटलिस्ट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वो कैटलिस्ट का उस पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो सकता है, इसलिए देयरफॉर ए कैटलिस्ट कैनॉट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैनॉट चेंज द परसेंटेज यील्ड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कैटलिस्ट सिर्फ इतना काम कर सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर सकता है उसके एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, लेकिन वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इफेक्ट नहीं कर सकता, कि रेट ऑफ रिएक्शन को तो इम्पैक्ट करेगा, लेकिन परसेंटेज ऑफ यील्ड कितना प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट के यील्ड को नहीं बढ़ा सकता है। यह समझ में आ रहा है? हाँ। मान लो 80% प्रोडक्ट बन रहा था किसी भी रिएक्शन में, तो ऐसा नहीं है कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वो 100% हो जाएगा, कैटलिस्ट कभी भी यील्ड ऑफ केमिकल रिएक्शन को चेंज नहीं कर सकता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को तो बढ़ा देगा लेकिन उसका थर्मोडायनेमिक पैरामीटर पे कोई भी रोल नहीं होता है, ना ही इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट पे कोई रोल होता है। तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट पे अगर रोल नहीं है तो उसका परसेंटेज यील्ड ऑफ केमिकल रिएक्शन उस पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। समझ में आया? पहले अगर 80% प्रोडक्ट बन रहा था तो कैटलिस्ट यूज करने के बाद भी 80% ही बनेगा, बट उसके कंडीशंस में फर्क हो जाएगा। मतलब जैसे मान लो पहले बहुत ही हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा था, तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वो रिएक्शन क्या हो जाएगा? लोअर टेम्परेचर पर होगा। लोअर टेम्परेचर पर हो रहा था, पहले मान लो रिएक्शन का रेट बहुत ही स्लो था,
तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वो रिएक्शन क्या हो गया, और फास्ट हो गया, फास्ट हो गया, ये सारा चीज चेंज हो सकता है, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, और सर नेगेटिव कैटलिस्ट तो क्या एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा? हाँ, नेगेटिव कैटलिस्ट वो एडवर्सली इंपैक्ट करेगा ना रिएक्शन को, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा। हाँ, तो रिएक्शन स्लो होते जाएगा। सर नेगेटिव कैटलिस्ट की यूज करते हैं हम लोग किसी रिएक्शन में? वो कुछ कुछ रिएक्शन वो सरफेस केमिस्ट्री में बताएंगे, कुछ कुछ नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं वो यूज, मतलब हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, कुछ कुछ रिएक्शन में नेगेटिव कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है जो कि रिएक्शन को वो स्लो करते हैं। ठीक है, तो वो केमिकल, ये सॉरी सरफेस केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो उसमें एक दो एग्जांपल आता है। सर इसके बाद सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाइएगा। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले होगा फिर सरफेस, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, वो थ्योरेटिकल टॉपिक है। ठीक है, इसी तरह उसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं है। ठीक है ना, तो देख लेंगे, पहले इसको खत्म होने दो, इसमें और दो क्लास लगेगा, उसके बाद ये खत्म होगा। सर अभी फिजिकल वाला पार्ट ही होगा ना? हाँ हाँ, अभी फिजिकल वाला ही होगा। लिख लिए ये सारे पॉइंट, किससे रिलेटेड है? कैटलिस्ट से रिलेटेड है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछा जाता है कैटलिस्ट से, तो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका। एक और चीज है इसमें, यहाँ ये एक और पॉइंट मेंशन कर लो, सिंस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन gets changed by equal amount in presence of a catalyst. Therefore, a catalyst catalyzes the फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बाय इक्वल अमाउंट। ये बात समझ में आया क्या? देखो एक्टिवेशन एनर्जी, अगर मान लो कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम हुआ है रिएक्शन का कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के लिए तो एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल अमाउंट में ही चेंज होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कुछ अलग होगा, बैकवर्ड के लिए अलग होगा। दोनों का जो अमाउंट डिक्रीज अगर होगा तो इक्वल अमाउंट से डिक्रीज होगा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। yes. तो इसीलिए ये चीज ध्यान रखना कि अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो जैसे मान लो कि कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन को अगर दो गुना कर रहा है तो बैकवर्ड रिएक्शन का भी स्पीड क्या करेगा, वो टू टाइम्स ही करेगा। मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड को इक्वल अमाउंट से वो कैटलाइज करता है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन को दो गुना बढ़ा दिया रेट ऑफ रिएक्शन, तो बैकवर्ड रिएक्शन भी दो गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, हेलो। हाँ सर, तो ये सारे पॉइंट्स कैटलिस्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन में अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को इक्वल अमाउंट से कैटलाइज करता है कैटलिस्ट। ठीक है, क्योंकि दोनों का एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो इक्वल अमाउंट से चेंज हो रहा होगा। गॉट इट? ये सारा कैटलिस्ट से रिलेटेड पॉइंट है, लिख लो सारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, लिख लियो सारा, सारे पॉइंट्स। यस सर, लिख लिए।
इसमें एक चीज बताना कि कैटलिस्ट जो है थ्रेसहोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी इन दोनों को तो कम कर रहा है. एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट चेंज हो रहा है क्या? नहीं. कैटलिस्ट देख लो यहाँ पे, जैसे इस ग्राफ में बता रहे हैं कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट तो उतना ही है और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट उतना ही है. यहाँ पे फर्क सिर्फ इसमें आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो गया और थ्रेसहोल्ड एनर्जी चेंज हो गया. एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ये दोनों चेंज होता है क्या? नहीं होता. यहाँ पे ध्यान रखना कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेसहोल्ड एनर्जी चेंज होगा. एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ये चेंज नहीं होगा. नहीं होगा. एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये सेम ही रहता है, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेसहोल्ड एनर्जी चेंज होगा. ठीक है, ये भी मेंशन कर ही लो. यहाँ पे लिख लो इसको, यहाँ पे लिख दे रहा है, लिख लेना थ्रेसहोल्ड एनर्जी एंड ई ए लिख रहे हैं हम लोग. ई ए कौन सा एनर्जी है बताओ? एक्टिवेशन एनर्जी. तो थ्रेसहोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होगा बट एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स सेम. ये पॉइंट नोट करके लिख लेना कि थ्रेसहोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी तो चेंज होगा बट एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ये सेम रहेगा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में. ठीक है, तो सारे पॉइंट लिख लो, उसके बाद क्वेश्चंस कराते हैं उसके ऊपर. हो जाएगा तो बोलना. हेलो. यस सर. हो गया, हो गया सर. चलो लिख लिया ना, सारे पॉइंट्स हो गए. चलो अब क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, वही एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. पहला क्वेश्चन लिखो, ए रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 500 केल्विन. If the same reaction is, sorry, if the same reaction is carried out in presence of catalyst at the same rate. Question अच्छा से पढ़ना. The temperature required is 400 Kelvin. Calculate the activation energy of the reaction if the catalyst lowers the activation energy by 20 kilojoule per mole. ठीक है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, सिंपल सा क्वेश्चन है, बनाओ. तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है.
हो गया क्या? हेलो फिर बना रहे हैं, एक मिनट जस्ट। अमृत अमृत हेलो, हाँ सर। तुम पढ़ रहे हो कि सो गए हो? नहीं सर, बना रहे थे। आदित्य गौतम, आदित्य लोग सब ज्वाइन करके कहाँ चला जाता है? आदित्य यशराज, यस सर। बना रहे हो क्वेश्चन? हाँ सर। वरुण, यस सर। वरुण, यस सर। लिख लिया तुम? Hello. जितना लिखाए हैं आज? हाँ सर। लिखे हो सारा कॉपी में? क्वेश्चन बना रहे हो? हाँ सर। नहीं बन रहा सर। नहीं बन रहा भैया। आदित्य गौतम क्या करता है? ज्वाइन करके खेलने चला गया है? क्या पता सो रहा होगा, तभी सोएंगे। ज्वाइन करके सो जाता है? नहीं सर, हैं। कहाँ गए थे तुम? कहीं नहीं सर। तो बोल, उतने देर से बोल रहे थे, तुम बोले क्यों नहीं? अभी इसको फोन किया। फोन करके तुमको उठा रहा है? चलो बनाओ जल्दी। समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन? देखो, दो केस यहाँ पे कंसिडर किया गया है। एक केस है कि रिएक्शन को प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में किया जा रहा है, और दूसरा केस है कि रिएक्शन को एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में किया जा रहा है। दोनों केस में बोला जा रहा है कि रिएक्शन का रेट चेंज नहीं हो रहा है। रिएक्शन का रेट क्या बोला जा रहा है? प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में भी सेम ही रेट पे हो रहा है, मतलब रेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो रेट पे अगर फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसका रेट कांस्टेंट भी क्या रहेगा? के का वैल्यू भी चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो रेट कांस्टेंट भी सेम है दोनों का। अगर रेट कांस्टेंट सेम है तो सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? टेम्परेचर पे डिफरेंस आ रहा है। तो पहला वाला जो एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में था वो 500 केल्विन पे हो रहा था, और रेट अगर सेम रखे तो वही रिएक्शन जो है 400 केल्विन पे होने लगा। और 400 केल्विन पे होने लगा, और कैटलिस्ट जो है एक्टिवेशन एनर्जी को कितने से कम कर दिया? 20 किलो जूल से कम कर दिया। अब यहाँ पे देखो, ये वाला एक्सप्रेशन पढ़े हो ना, अरहेनियस इक्वेशन, K इज इक्वल टू A इंटू ई पे पावर माइनस ई ए बाय आर टू। ये था इक्वेशन, इसको बोलते हैं हम लोग अरहेनियस इक्वेशन। तो अब ये इक्वेशन हमको अप्लाई करना है। के का वैल्यू जो है रेट कांस्टेंट, ये दोनों केस में क्या है? सेम सेम है। दोनों केस में के का वैल्यू सेम है। के का वैल्यू सेम है तो यहाँ पे हम लोग इक्वेट कर सकते हैं ए इंटू ई पे पावर माइनस ई ए बाय आर टी वन। ये पहला वाला केस ले रहे हैं एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट वाला, और दूसरे वाले केस में हम लोग ले रहे हैं ए इंटू, दोनों का रेट अगर सेम होगा। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में एक्टिवेशन एनर्जी कितना हो गया बताओ? तो ईए ही रहेगा या ईए से कम हो गया? ईए से कम हो जाएगा। कितना कम किया है वो? 20 किलो जूल कम किया है। 20 किलो जूल कम कर दिया, तो ईए जितना था पहले ईए में माइनस 20 कर देंगे तो अब ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। हाँ, सेकंड वाले केस का, कैटलिस्ट वाले केस का। यस सर। वो कौन से टेम्परेचर पे हो रहा था? मान लेते हैं T2 टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो दिया होता सर। हाँ, तो टेम्परेचर पुट कर लो। अब देखो, ए का वैल्यू चेंज होता है क्या? टेम्परेचर चेंज होने से ए पे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ेगा, ए तो कांस्टेंट है। ये बताए थे कि इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर का इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए और ए तो दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर का क्या बच गया? ई पे पावर माइनस ई ए बाय आर। और फर्स्ट केस में टेम्परेचर कितना दिया होता? 500 केल्विन। हाँ, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पुट करना है। यहाँ पर सेल्सियस में रहेगा तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे, ये ध्यान रखना। और इधर कितना बच गया? ई पे पावर माइनस ई ए माइनस 20 बाय आर इंटू 400। आर इंटू 400। चलो अब इसको सॉल्व करो और ई ए का वैल्यू निकालो।
अब तो सिंपल है यार, सॉल्व करो जल्दी से। ये सर कर रहे हैं। बताओ कितना आ रहा है आंसर। आया क्या कुछ? यस सर आ गया। कितना? ये इक्वल्स टू 100। यूनिट बताओ। 100 क्या? 100 किलो जूल पर मोल। हाँ 100 किलो जूल। ई पे पावर है ना, तो ई पे पावर है तो यहाँ पे देखो ये तो ये दोनों तो इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों तो ई पे पावर ही है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस ई ए बाय आर इंटू 500 इज इक्वल टू माइनस ई ए माइनस 20 बाय आर इंटू 400। बस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, आर आर कैंसिल आउट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 100 100 काट दो दोनों का, तो इसको सॉल्व करोगे तो 4EA इक्वल टू 5 को उधर भेजोगे तो ये आ गया 5EA और माइनस 100। यहाँ से डायरेक्टली आ गया EA इक्वल टू 100। और यहाँ पे हम लोग किस में लिए थे? सारा यूनिट किलो जूल में दिया हुआ था, तो ये वाला वैल्यू भी किस में आ जाएगा? किलो जूल और पर मोल। एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट करना था। एक्टिवेशन एनर्जी ये जो ई ए निकला, ये प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वाला है या एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट बताओ तो? ये एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है। हाँ तो एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट वाला 100। अगर यही पूछा जाता प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में कितना हो जाएगा तो बताओ? 100 माइनस 20 80 कर देते हैं। हाँ तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ये हो गया। एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में 100 किलो जूल है और एब्सेंस ऑफ सॉरी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में 100 माइनस 20 कर देंगे 80 किलो जूल। ठीक है क्या देख लो, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तो क्वेश्चन नंबर टू, the activation energy of a reaction in presence of a catalyst is 4.15 kilojoule per mole and in the absence of catalyst is 8.3 kilojoule per mole. Calculate करना है what is the slope of plot of ln k versus 1/T in absence of catalyst. ठीक है बनो। ये ग्राफ प्लॉट करवाए हैं, एल एन के वर्सेस 1/T का ग्राफ बनवाए हैं, उसका स्लोप पूछा गया है तुमसे, तो देखो क्या कर सकते हैं, स्लोप क्या आता था।
सर 101 पॉइंट समथिंग आएगा. और किसी का आया 135 डिग्री. क्या क्या बोल रहे हो तुम? स्लोप से टेन थीटा होगा ना? नहीं तो इसमें ए बाय आर होता है स्लोप सर, लिखवाए थे माइनस ए बाय आर. हाँ हाँ बताओ. उसका तो वन आ रहा है माइनस वन. स्लोप क्या था एल एन के वर्सेस 1 बाय टी का स्लोप कितना होता था? माइनस ए बाय आर. माइनस ए बाय आर. और तुमसे किस में पूछा गया? एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में पूछा गया. एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में तुमको एक्टिवेशन एनर्जी तो दिया हुआ है ना 8.3 किलो जूल है. तो बस पुट कर दो यहाँ पे माइनस 8.3 किलो जूल है. हमको आर का वैल्यू जो है वो जूल के टर्म में पता है. कितना पता है? 0.0 नहीं नहीं जूल वाला. सर यूनिट क्या होगा इसका? बोलो किलो जूल पर क्या होगा? माइनस नेगेटिव स्लोप होता था ना. हाँ तो नेगेटिव स्लोप है तो इसलिए माइनस साइन ये सिग्निफाई कर रहा है नेगेटिव स्लोप का. ठीक है. और वैल्यू अगर पूछा जाए तो 10 to the power 3 हो जाएगा. तो सर यूनिट में करेंगे ऊपर में किलो जूल डिवाइडेड बाय जूल मतलब जूल में हो गया ना ये. और आर का यूनिट क्या होता है? जूल पर मोल पर. जूल पर मोल. जूल पर मोल केल्विन. केल्विन. ये होता था याद नहीं है? हाँ सर जूल पर मोल केल्विन. हाँ इसका आ जाएगा जूल पर मोल केल्विन. तो मोल केल्विन ऊपर चला गया तुम्हारा तो जूल जूल कैंसिल आउट हो गया तो मोल केल्विन बच गया. ठीक है. क्लियर है? यस सर. कोई डाउट इसमें? देख लो ये वाला ग्राफ प्लॉट करवा दिए थे ना प्रीवियस क्लास में ये कराए थे. देख लेना वहां पर. ठीक है. बुकलेट के क्वेश्चंस बनाए तुम लोग इसमें एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड देखना. उसमें क्वेश्चंस अब दिया हुआ है. ये स्टार्टिंग में ही है मतलब 15 से 20 क्वेश्चन में ही मिल गया था एक्टिवेशन एनर्जी का क्वेश्चन. हां तो अब बना सकते हो आप उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आप सारे कर सकते हो. ठीक है. तो ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी वाला भी टॉपिक और कैटलिस्ट वाला भी हो गया. तो इस टाइप के क्वेश्चंस जितने भी मिलेंगे कर लेना उसमें. और इसमें और एक क्लास और लगेगा दो क्लास मिनिमम जो चलो दो क्लास मान लेते हैं उसके बाद ये खत्म हो जाएगा. ठीक है. एक ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी वो डिफरेंस बताना है और एक रिएक्शन का रेट कैसे डिराइव करता है मैकेनिज्म से वो एक बताना है. ठीक है. दो टॉपिक बचा हुआ है बस. मतलब इस वीकेंड तक. हाँ इस वीक में ये खत्म हो जाएगा. तो तुम लोग इससे रिलेटेड एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ तक एक्टिवेशन एनर्जी और ये कैटलिस्ट वाले से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा ये सब कर लेना बुकलेट में. जो भी डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना. ठीक है. और टेस्ट दिए थे कि नहीं तुम लोग? दिए थे सर. बन गया था उसमें क्वेश्चन सारा? केमिकल काइनेटिक्स का तो आसान ही था सारा. जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से ही पूछा गया था. हाँ बना दिया था सारे? सारा नहीं सर, एक दो क्वेश्चन मतलब थोड़ा बहुत छूट गया था. ठीक है तो वो कर लेना. वो टेस्ट देने के बाद भी उसको बना लिया करो घर पे. जैसे स्क्रीनशॉट लिए अब बनाएंगे आज. चलो फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे आगे. तो यहाँ ये एक्टिवेशन एनर्जी वाले भी क्वेश्चंस और टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला वो सब जो पार्ट बताए थे शुरुआत में वो सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लेना बुक में. ठीक है. प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर लेना. जो भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. आज आज डाउट है किसी को? ये हो गया है ना सबका?
नोट कर लिए हो सारे? नोट कर लिए। चलो पर इसको एंड कर रहा, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके सर। Thank you.